आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ In this question, we have given two students x and y perform experiments on series and parallel combination of the two given resistors R1 and R2 and plot the graph as shown here. Which of the following options is true about the graphs obtained by the students? Uh, v इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज करंट यहाँ पे गिवन है तो वी आई ग्राफ हमारा बना रहे हैं अब यहाँ पे देखना दो स्टूडेंट्स हैं X और Y दोनों क्या करते हैं उनके पास दो एक बार, में लगा के, एक बार दोनों पैरल में कनेक्ट करके यहाँ पे वी आई और आई वी ग्राफ ड्रा करते हैं और एक हमें यह बताना है की द ट्रू ऑफ दिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द ग्राफ ऑप्टेंड बाई द स्टूडेंट्स दोनों स्टूडेंट uh, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं पहला ग्राफ

और एक बार पैरल में कनेक्ट किया सीरीज में कनेक्ट करके यहाँ पे वी आई ग्राफ बनाया और पैरल में कनेक्ट करके एक बार वी आई ग्राफ बनाया ठीक अब यहाँ पे देखिए दोनों को उसने सीरीज में कनेक्ट किया रजिस्टेंसरी हमारे पास आर वन था हमारे पास आर टू था यहाँ पे एक बैटरी वी से इसको जोड़ दिया जैसे ही बैटरी से वी से जोड़ेगा तो यहाँ पे करंट आई फ्लो करेगी दोनों रजिस्टेंस में इक्वल करंट जाएगी यहाँ से करंट आई निकल जाएगी क्लियर हो गया सर्किट डायग्राम हो गया स्टूडेंट एक्स ने एक बार आर वन आर टू को किस में कनेक्ट किया पैरल में ये तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन था इस बार हम पैरल में दोनों कनेक्ट करेंगे तुम्हें तो पता है कि दो रेजिस्टेंस को कैसे हम पैरल में कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से उनका ये पैरल कॉम्बिनेशन हो जाएगा इस डायग्राम से आप इजिली देख सकते हो फिर से यहाँ पे हमने सेम वोल्टेज बैटरी सोर्स रखा है वी वी है इस बार दोनों आर वन और आर टू देखियो रजिस्टेंस आर वन था रजिस्टेंस हमारे पास आर टू है दोनों पैरल में कनेक्ट है ठीक और इसमें जो करंट जाएगी आई पे करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और यहाँ से देखो आई, गई, इसमें आई वन करंट फ्लो करेगी यहाँ पे करंट आई थी तो यहाँ से फिर से टोटल समेशन आई करंट बाहर आ जाएगा और इस तरह से सर्किट में कम्प्लीट हो जाएगा अब अगर इस सर्किट का अगर इस सर्किट का हम सीरीज में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम आर एस कहें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास समेशन होता है आर वन प्लस आर टू अगर दो रजिस्टेंस है सीरीज में कनेक्ट है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास आर वन प्लस आर टू जस्ट दोनों रेजिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं लेकिन अगर वही पैरल कॉम्बिनेशन होता है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आरपी इसको ऐसे निकाल सकते हैं वन अपॉन आर पी इज टू क्या होता है पहले रजिस्टेंस वन अपॉन आर वन प्लस दूसरा रजिस्टेंस क्या होता है वन अपॉन आर टू तो इस दोनों में देख सकते हैं कि दोनों में किसका रजिस्टेंस ज्यादा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन पैरल कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो कि पैरल वाला जो कॉम्बिनेशन होगा पैरल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो देखो पैरल कॉम्बिनेशन आ जाएगा हमारे पास देखो आर वन प्लस आर टू डिडेड बाई आर वन इंटू आर टू अब दोनों को कंपेयर करिए सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पैरल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था आर वन प्लस आर टू लेकिन पैरल में कितना आ गया सीरीज में तो आर वन प्लस आर टू था इतना था लेकिन पैरेलल में नीचे डिवाइड चला गया डिवाइड में अगर कोई नंबर जाता है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होती है घट जाती है तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सीरीज में जो अगर दो रजिस्टेंस को आप सीरीज में कम कनेक्ट करोगे तो उनका जो इक्वलेंट रजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पैरल कॉम्बिनेशन पैरल में कनेक्ट करना और सीरीज में दोनों रजिस्टेंस का अगर आप इक्वलेंट रजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो सीरीज का जो इक्वलेंट रजिस्टेंस होगा वो पैरल के कम्पेरिजन में ज्यादा होगा ओम्सलॉ थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले हमको इसको इसको ही देखना था पर कोई बात नहीं यहाँ पे जो ओम्स लॉ कहता है कि अगर आप वी आई ग्राफ बना रहे हो वोल्टेज और करंट का ग्राफ बना रहे हो तो देखो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ये हमारा वोल्टेज सॉरी सॉम्स लॉ था अगर ये प्रोपोर्शनलिटी या कॉन्स्टेंट हटाते हो तो एक रजिस्टेंस आ जाता है आई इन आर अगर आर की वैल्यू फाइंड आउट करो तो आई आर इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास वी वाई आई और वी बाई आई क्या होता है वी आई ग्राफ का स्लोप होता है वी वाई आई अगर देखो तो ये हमारा देखो वी आई ग्राफ का क्या होता है स्लोप होता है तो अगर आपको कहीं वोल्टेज अगर आपको कहीं वोल्टेज और करंट का ग्राफ गिवन है वोल्टेज और करंट का अगर आपको ग्राफ दिया है और उस ग्राफ का अगर आप स्लोप फाइंड आउट कर लो तो आपको क्या मिलता है रजिस्टेंस मिलता है तो इस तरह से देखो ये, ये एक ग्राफ गिवन था अगर इसका स्लोप फाइंड आउट करोगे तो ये स्लोप हो जाएगा और वो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास देखो रजिस्टेंस हमें देता है जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है रजिस्टेंस देता है चलिए अब पहला स्टूडेंट एक्स ने जो ग्राफ ड्रॉ किया देखो वीआई ग्राफ ड्रॉ किया है एक बार इन दोनों में फर्स्ट ग्राफ सेकंड ग्राफ हमें पता नहीं था कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन वाला है कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला है लेकिन इतना हमें पता चल गया कि सीरीज में जो रजिस्टेंस होता है इक्वलेंट रजिस्टेंस वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरल आप देख सकते हो सीरीज में जो इक्वेबेट रजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है तो इट मीन वी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है रजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं वीआई ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रजिस्टेंस होगा अब वी ग्राफ में हमें दो ग्राफ गिवेंट थे किसका स्लोप ज्यादा होगा जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो सीरीज वाला होगा क्योंकि हमने देखा सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ना तो पहला वाला जो होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन का आ गया हमें मिल गया आसानी से पहला क्या हो गया सीरीज क्योंकि इसका स्लोप ये है दूसरे वाले का स्लोप ये है तो दूसरे वाले का स्लोप कम था इट वो क्या होगा हमारे पास पैरल अगर स्लोप कम है तो उसका रजिस्टेंस डेफिनेटली कम होगा क्लियर हो गया तो मैं यहाँ पे एक और डायग्राम में बना के इसको समझा देता हूँ फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट एक्स ने जो ग्राफ ड्रॉ किया था उस यहाँ पे दो ग्राफ थे उन्होंने दो ग्राफ ड्रा किया एक हमारा ए ग्राफ ड्रा किया एक हमारा ए ग्राफ ड्रा किया ये पहला था ये दूसरा था आपको बताना था इसमें कौन सा सीरीज वाला था कौन सा पैरल वाला था तो हमने क्या देखा अगर ये वी आई ग्राफ होगा इंपॉर्टेंट बात है आपको देखना है जो वोल्टेज अगर वाई एक्सिस में है और करंट अगर एक्सिस में है तो यहाँ पे वी आई ग्राफ बन गया है। ये कौन सा ग्राफ है देखो वी आई ग्राफ वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वी वाई आई जो स्लोप होता है वो हमारा रजिस्टेंस देता है तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रजिस्टेंस ज्यादा होगा वीआई ग्राफ का स्लोप आपको क्या मिलेगा रेजिस्टेंस जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसका स्लोप ज्यादा है तो हमारा पहले वाली लाइन का पहले वाले जो हमारे पास ग्राफ था उसका स्लोप ज्यादा था इट ये वाला ग्राफ किसके लिए होगा सीरीज के लिए होगा ठीक क्योंकि यहाँ पे हमने स्लोप निकाला स्लोप लेट से एंगल कितना बना रहा था थीटा थीटावन तो थीटा थीटावन क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा अब इसका स्लोप ज्यादा है इट मीन अगर इसका स्लोप ज्यादा है तो इसी का रजिस्टेंस ज्यादा होगा और वो क्या हो जाएगा सीरीज में दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास पैरल में ये हम दो डायग्राम से हमने समझा पहली बात तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आप देख पा रहे हैं कि जो सीरीज में रेजिस्टेंस होता है अगर सीरीज में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल से ज्यादा होता है वीआई ग्राफ में आप स्लोप देखते हो वीआई ग्राफ में स्लोप देखोगे जिसका स्लोप ज्यादा सीरीज वाला जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो हमारा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा था सीरीज वाले का तो इसका स्लोप जिसका ज्यादा होगा हो वो सीरीज वाला हो जाएगा और जिसका स्लोप कम होगा वो पैरेलल वाला हो जाएगा क्लियर हो गया इतनी बात अब बात करते हैं वाई की वाई ने कुछ नहीं किया है वाई ने सिर्फ आईवी ग्राफ बनाया है इस बार मैं डायग्राम से ही समझा देता हूँ इस बार आई बनाया है और वी ग्राफ बना दिया है तो वाई एक्सिस में करंट ले लिया है और एक्स एक्सिस में इसने क्या ले लिया है वोल्टेज ले लिया है तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे अगर हम करंट की वैल्यू निकालें तो आई टू क्या हो जाएगा हमारे पास वी बाई आर जिसका आर ज्यादा उसकी करंट कम सीरीज में अगर दोनों रजिस्टेंस को वाई ने सीरीज में कनेक्ट किया होता तो उसका जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस आता आर एस वो ज्यादा था इट मीनस कि आई एस जो करंट होगी सीरीज में वो कम होगी एज कंपेयर टू पैरल में तो पैरल में जो करंट फ्लो करेगी वो ज्यादा होगा क्यों क्योंकि पैरल में जो रजिस्टेंस था वो कम होगा यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगी किसका रेजिस्टेंस ज्यादा था सीरीज कॉम्बिनेशन का सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा था इट मीन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कम होगी एज कम्पेयर टू पैरल कॉम्बिनेशन अब यहाँ पे देखिए जिसमें करंट ज्यादा होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा एक ग्राफ ये था एक ग्राफ ये था अब देखो किसमें करंट ज्यादा थी अगर इसका टॉप मोस्ट पॉइंट लोगे तो यहाँ पे इसके करंट मिल रही है करंट इस वाले ग्राफ का देखो ये हमारा थर्ड ग्राफ था ये हमारा फोर्थ ग्राफ था क्लियर हो गया इसमें देखो करंट मैक्सिमम जो करंट मिल रही थी सिर्फ इतनी थी किसमें करंट ज्यादा है अगर इस ग्राफ में देखो तो करंट हमारा थर्ड वाले में ज्यादा है तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा पैरल जिसमें करंट ज्यादा वो का होगा पैरल हो जाएगा और फोर्थ वाला क्या हो जाएगा सीरीज क्योंकि इसमें करंट कम है क्लियर हो गया तो अगर वीआई ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप स्लोप देखोगे स्लोप हमें रजिस्टेंस देता है हमें पता है कि अगर दो रजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो उनका इक्विट रजिस्टेंस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरल कॉम्बिनेशन इट मीनस वीआई ग्राफ में जैसे ही आपने देखा इसका स्लोप ज्यादा है स्लोप ज्यादा तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया क्लियर इसी तरह से अगर आईवी ग्राफ बनाओगे तो हमें पता है कि पैरल में करंट ज्यादा फ्लो करती है तो इस ग्राफ में देखो किसमें करंट ज्यादा थी मैक्सिमम करंट इस पॉइंट में देखो टॉप करंट इतनी आ रही थी ये करंट लेकिन जो फोर्थ वाला ग्राफ था उसमें देखो उस ग्राफ का जो मैक्सिमम करंट थी इतनी ही थी तो करंट किसमें ज्यादा है थर्ड वाले में इट इटमीस वो पैरल हो गया तो यहां से आप अपना आंसर दे सकते थे तो सीरीज जो स्टूडेंट एक्स ने पहला देखा वो सीरीज है दूसरा क्या है सेकेंड वाला हमारा क्या है पैरल है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हमें सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है यहाँ पे दो कॉलम है सीरीज और पैरेलल तो सीरीज वाले में कौन कौन है सीरीज में एक पहला है और दूसरे ग्राफ में हमारा सीरीज वाला चौथा था तो पहला और चौथा यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना हो गया वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया पहला चौथा कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन क्योंकि ये सीरीज था दूसरे वाले ग्राफ में ये हमारा थर्ड वाला पैरल कॉम्बिनेशन था उसको हमने पी से दिखा दिया अगर पैरल की बात करो तो पैरल में पहले ग्राफ में कौन सा पैरल था सेकेंड वाला और दूसरे ग्राफ में कौन सा पैरल था थर्ड वाला तो सेकंड और थर्ड हमारे पास क्या है ये दोनों पैरल कॉम्बिनेशन है ये दोनों क्या है पैरल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे आंसर देखो पहला और चौथा सीरीज है पहला चौथा सीरीज है इट मीन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और पैरल में कौन सा है सेकेंड और थर्ड तो पैरल में देखो सेकंड है और सीरीज में क्या है पहला और चौथा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऑप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर